बहुत एक प्रॉपर्टी इसमें होता है रीड ऑनली प्रॉपर्टी, उसको भी देखेंगे, और नॉर्मली जो हमने ऑप्शनल प्रॉपर्टी देखी थी उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैंने लिखा लेट आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ कॉलन के बाद, आप चाहो तो इंटरफेस लगा के भी काम कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर। मैंने लिखा फर्स्ट नेम जो कि आपका क्या होना चाहिए स्ट्रिंग, लास्ट नेम जो कि स्ट्रिंग, और एज जो कि है नंबर। अब मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज में 10 दे दिया। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी वैल्यूज जितनी प्रॉपर्टीज आप यहां पे डिक्लेयर करोगे, डिफाइन नहीं डिक्लेयर करोगे, बताओगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होनी ही होनी चाहिए, मतलब जब आप इसको डिफाइन करोगे क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट, तो आपके पास उसके अंदर में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होनी ही होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो ये आपको एरर जनरेट करके दे देगा। ओके भाई, क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, इनको हम जनरली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर आपने एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग हुई यहां पे, एक भी प्रॉपर्टी मिस हुआ, तो भाई आपको क्या होगा यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था भाई, तो यहां तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आप देना चाहो तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मतलब उसको ऑप्शनल रखना। आप कभी भी फॉर्म भरते होंगे उसमें लिखा आता होगा रिक्वायर्ड में एस्ट्रिक लगा हुआ आता होगा, और जिसमें एस्ट्रिक नहीं है वो ऑप्शनल होता था, देना चाहो दो मत, नहीं देना चाहो मत दो। बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जितने भी चीजें थी मैंने रिक्वायर्ड लगा रखा है, राइट भाई। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, ये कहलाता है आपका ऑप्शनल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एज क्या है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, आप चाहो इसको लिखो मत लिखो डजंट मैटर, अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, इसे हम ऑप्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। कोई डाउट किसी को भाई, आगे बढ़े। तो ये आपका ऑप्शनल प्रॉपर्टी था, इसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि काफी बार लिख चुके हैं हम, बस बताने के लिए था। ओके, अब मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है, मैंने इसको कॉपी किया एग्जैक्टली एंड इसमें पेस्ट कर रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया यहां पे, बस इतने आपके पास दो वैल्यूज। अगर ऐसा आपके पास है, रन टाइम में आप ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम में इक्वल टू, मैं दीपक लिख सकता हूं मैं, राइट भाई। इससे को क्या होगा, जो वैल्यू आपने दी है यहां पे वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अब ओवरराइड हो जाएगी, और मैं इसको लॉक करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसी पे ओपन कर लेता हूं टर्मिनल, और टर्मिनल पे यहां पे क्या करूंगा, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, वॉच मोड को ओपन कर लेता हूं ताकि काफी काम करना है तो बार बार रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। टी एस सी, उसके बाद क्लास डॉट टी एस, और उसके बाद हाइफन हाइफन वॉच, ठीक है, हिट किया। टारगेट वारगेट मुझे करना नहीं है, अगर एरर आ रहा होगा तो कर लेंगे भाई, टारगेट लगा लेंगे, क्योंकि एरर इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सब कुछ दिख जाता है वहां पे, आप एक बार एरर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब क्या है, कहाँ पे एरर आ रहा है, पूरी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी बता देता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पे क्लास डॉट जीएस फाइल ही बन चुकी है, राइट। चलो जी, तो अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करना चाहूंगा, तो एक फाइल और फोल्डर,
सीडी आपका क्या हो जाएगा, टीएस, उसके बाद आपका नोड क्लास डॉट जेएस, क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम दीपक, लास्ट नेम स्मित आ गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट, टीएस में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट आपकी वैल्यू ओवरराइट नहीं होनी चाहिए। जो पहली बार मैंने वैल्यू दे दी वो बाद में ओवरराइट ना हो तो कैसे होगा? एक बार मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद रन टाइम में उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। हाउ कैन आई डू दैट? कॉपी खोलना है, कॉपी खोलो, जो खोलना है खोलो, मुझे बताओ। सर हिडन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, मुझे चेंज नहीं होनी कॉम्पिटिटर से चाहिए थी। पढ़ा है। क्या बोला भाई? हाँ सर हिडन प्रॉपर्टी बताओ ना भाई, क्या होती है क्या नहीं होता। कॉपी खोलना है कॉपी खोलो, जो करना है करो, बताओ बस। नहीं पता ऑब्जेक्ट को फर्स्ट द वेरिएबल से डिले अपना वेरिएबल यूज करनी है, ऑब्जेक्ट को कौन डिक्लेयर कौन सा डिक्लेयर करेंगे, करनी कौन सा बना लिया, फिर क्या करूं, है और इंटरफेस मानो ना इसको इंटरफेस बना लूं इसको? मतलब इसके लिए सर भाई ये तो तुम रिएक्ट टीएस के लिए बोल रहे हो ना, सर नहीं सर पर्सनल भाई ये टीएस के लिए बोल रहे हो तुम, और तुमने पढ़ रखा है तो बीच में मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जेएस में कैसे करेंगे वो बताओ। क्वेश्चन क्या करता ये है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फर्स्ट नेम इक्वल टू में स्ट्रिंग लिखा, ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, या मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, रन टाइम में वैल्यू चेंज ना कर पाऊं, क्या आपको पढ़ाया था राइट और बताओ, को राइट टेबल को फॉल्स करके। बहुत बढ़िया, एक दो ही बता पा रहे हो, बाकी कोई नहीं बता पा रहा। बहुत बढ़िया लोगों, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा टाइम आपने जीएस में इन्वेस्ट किया और आप जीएस को ही नहीं पढ़ पाए। ये आप लोगों का ड्रॉबैक है। फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, हो सकता है वहां सिलेक्ट ना हो पाओ। क्यों भाई, गए हो ना बहुत जगह इंटरव्यू देने के लिए? हाँ अब तो सेकंड राउंड का भी तो आ गया उसका, 3 स्टूडेंट्स का हुआ सिलेक्शन। बहुत टाइम भाई उसमें कल आया था, ईवी था ना, लग रहा ईवी का तो आ चुका है, ईवी है इसमें, जो भी था सेक्टर 63 में था, उसके 3 सिलेक्शन हुए हैं। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप अपने कोर को नहीं जानोगे, चाहे आपने कितना भी एडवांस पढ़ लिया हो, आप कभी भी कुछ काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहता हूं भाई, घुसो भाई जेएस के अंदर, जेएस अपने आप में दुनिया है, और अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो भाई आप गलत ट्रैक पे हो।
एक्सपेक्टेशन आपकी गलत हो सकती है। फिर जिस हिसाब से आप पैसे मांग रहे हो ना कंपनी, मुंह फाड़ के बोलो कि मुझे 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख का पैकेज चाहिए, फिर उसी हिसाब से बोलेंगे आपको कुछ आता ही नहीं है, हम क्यों दें आपको। तो अभी भी टाइम नहीं हुआ ऐसा कि आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट हो चुका हो। आपने जीएस जो पढ़ा है ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। हाँ भाई भाई बिल्कुल, मैं वही तो पूछ रहा था कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपने इंडेप्थ पढ़ी है। भाई अभी टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा खराब नहीं हुआ है आपका। एक दिन में एक आध घंटा, बाकी कुछ भी करो, अगर आप रोज स्ट्रेटजी बनाओ अपना, 1 घंटे में मैं जीएस को पढ़ लूँ ना सफिशियंट है। अगर आप 1 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हो तो गलत चीज है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा जीएस को पढ़ने का। बट 1 घंटा तो हमेशा जीएस को दो, अब आने वाले 2-3 महीने तक आप मुझसे ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी आपको। बंद कर देना भाई, ठीक भाई है भाई, क्लियर। इसीलिए अपने ऊपर काम करो, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, दिक्कत नहीं आएगी। आप आगे की चीज पढ़ रहे हो लेकिन पुरानी चीज भूल जा रहे हो, ये नुकसान है। और जो रोज प्रैक्टिस कर रहा होगा उसे याद रहेगा, इसीलिए रोज प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मेन उद्देश्य ये बताने का है कि अपने ऊपर, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है रोज पढ़ते रहिए। किसी से बात करना हो, किसी दोस्ती यारी निभानी हो, वो निभाइए जॉब लगने के बाद, सैटरडे संडे मस्त मिलेगा टाइम। हालांकि उसके पास ना हो लेकिन तुम्हारे पास भरपूर टाइम रहेगा सैटरडे संडे, उसमें जो करना है चिल करना है, घूमना है फिरना, जो भी करना है करो। उस टाइम तक आप ये सोचो कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस पढ़ना है, मुझे अपने जो मेरा मेरा गोल अचीव करना है, या तो जॉब लेनी है या तो अपना बिजनेस सेटअप करना है। दो केसेस हो सकते हैं। और बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको आईटी की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप बिजनेस सेटअप कर पाओगे। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं पढ़ूं, ताकि मुझे जो चाहिए, मेरा एंट्री बैरियर ना है, चाहे आप टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, डजेंट मैटर, एंट्री बैरियर होता है। एंट्री बैरियर को आपको पुशअप करना है आगे, कि उससे बाहर भागना है। और वैसे ही आईटी में इस टाइम पे जॉब की बहुत कमी है, स्पेशली फ्रेशर के लिए तो पक्का कमी है भाई, ना के बराबर समझ लो ऐसे हैं। इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है जितना पढ़ना है पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट को और जानना है तो डीए से पढ़ लो, तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे सारे। मैं इसीलिए ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ डीएसए को, क्योंकि भाई तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाई हो सकता है कि जब आपका इंटरव्यू ले रहा हो वो भाई कहीं ना कहीं घुस घास के बस डीएसए पहुंच गया, तो ठीक है, तो उस चीज के लिए बात कर रहा हूँ। तो हर चीज को अपने ऊपर कमांड कीजिए, क्लियर भाई। तो कर लीजिएगा, अदरवाइज रिएक्ट पढ़ लोगे, नोट पढ़ लोगे, जॉब नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि आपका मेन पॉइंट ही आपका जेएस है। कंपनी ने अगर डायरेक्ट बोल दे कि भाई पहले जेएस पढ़ गया हो, तो था एक स्टूडेंट मेरा, घमंडी बहुत टाइप, जो भी समझ लो, तगड़ा घमंड था उसको, उसकी जॉब लग गई, कंपनी उससे पहले बोल रही थी जेएस पढ़, रोज जेएस पढ़ता था फिर कंपनी में जाकर। फिर कुछ टाइम के बाद पता चला कि भाई उसे निकाल दिया गया कंपनी से। इसीलिए भाई अपने ऊपर काम कीजिए, जितना हो सकता है लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, टेक्नोलॉजी तो बाद में सीख ही जाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब वही चीज जो मैंने वहां पे किया था राइट टेबल की मदद से, अगर वही चीज मुझे यहां पर करनी हो, सेम चीज को करने के लिए आप यहां पे लिखिए रीड ऑनली। अगर ये रीड ओनली आपके पास यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है टीएस के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप यहाँ पे रीड ओनली लिख दोगे
तो होगा क्या, उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है, जो आपने डिक्लेयर करी है प्रॉपर्टी, उसको आपने बोल दिया कांस्टेंट। जब पहली बार इसकी वैल्यू आप डिफाइन करोगे, उसके बाद आप कभी भी इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक बार जो आपने वैल्यू दे दी, रन टाइम में कभी भी आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टी। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? और यहां पे एरर देखने को मिलेगा, कैनॉट असाइन टू फर्स्ट नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। और इसको हमने एक जगह और देखा था, रीड ओनली प्रॉपर्टी टाइप्स कहां देखा था? कहां देखा था, किसमें देखा था? इनपुट में देखा था। ओके, और मैं जेएस की बात कर रहा हूं। चलो तुमने पहला बता दिया एचटीएमएल में, दूसरा जेएस में कहां पे देखा था? कहां पे देखा था बताओ? डिफाइंड प्रॉपर्टी में, रीड ओनली। हाँ, कितनी थी उसके अंदर प्रॉपर्टीज, हिडन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? देख के बताओ। और एक था वैल्यू, उसको लिखा नहीं था हमने, चार होती। ठीक है भाई, इसको हमने पहली बार देखा था स्ट्रिंग के म्यूट, उसमें कैरेक्टर की वैल्यू को असाइन करते समय पर कैरेक्टर की वैल्यू को असाइन करते समय, इसीलिए स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल कहा जाता है भाई, याद रखो बहुत काम आएगा, याद रखोगे तो फायदा होगा। जिस किसी को भी जेएस पढ़ना है ना, 3:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना, उसमें जेएस स्टार्ट है, अभी तो सीएसएस चल रहा है। अगर पढ़ना हो तो 3:30 बजे वाला बैच, नहीं 3 से 4:30 वाला बैच ज्वाइन कर लेना, आज से 3 से 4:30 हो चुका बैच। ओके भाई, एक सेकेंड, क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें पूछता रहूंगा, और रिएक्ट में बहुत पूछता हूं मैं, क्योंकि वहां होते मेरे टाइम मजे लेने वाले, क्योंकि वहां मैंने जितना पढ़ाया आपको मैं पूछता रहूंगा, ये कहाँ यूज किया था, ये कैसे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, सब सब कुछ पूछूंगा। जो आपके डाउट थे ना कि सर कब यूज करेंगे हम, कब जेएस को यूज करेंगे, वहां पूछूंगा, वहां बताऊंगा, पूरा यूज करके दिखाऊंगा आपको, जेएस को एक्चुअल में यूज करके दिखाऊंगा, नोड जेएस में भी यूज करके दिखाऊंगा। डन भाई, समझ में आया? रीड ओनली वही काम करता है जो राइटेबल फॉल्स करता है, वैल्यू को ओवरराइट होने से बचाता है। लिख लीजिएगा इसको, आलोक गौतम कुछ पूछना है भाई? नो सर। कॉन्स्ट क्या होता है? वेरिएबल को असाइन करने के लिए तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा, 100%। पता क्या बोलेंगे? डिफाइन करने के लिए। क्या? वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। और भी सही, तब तो तुम्हारा 200%। किस चीज के लिए करते हैं? हाँ, उसको उसको टाइप बताने के लिए। बेहतरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 200% सिलेक्शन होगा, डिक्लेयर करने के लिए होता है।
तो डिक्लेयर और डिफाइन करने में क्या फर्क है? नहीं तुमने चक दे इंडिया देखी है? देखिए चक दे इंडिया देखिए नहीं ना, उसमें तमिलनाडु वाली लड़की आती है ना, तमिलनाडु और तेलुगु, समझ में आया फर्क भाई? समझ सकता हूं मैं तुम्हारा दर्द, वैसे ही तुम डिप्रेशन में आजकल रह रहे हो। भाई भाई यही तो एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेस करना है ना। मैं सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन आपके कहाँ पे काम आएंगे बताओ? टीम मीटिंग में? अजी हाँ, वहां तो चुपचाप बैठे रहोगे तुम तो। इंटरव्यू में भी नहीं आया काम। जो चीज है उसको ढंग से पढ़ो, कौन क्या क्या चीज कहाँ पे काम आ रही है। हाँ डन भाई, कोई ऐसा हो किसे कुछ पूछना है। किसी को कुछ पूछना है भाई? रीड ओनली प्रॉपर्टी, जो रीड ओनली है वो वही काम करता है जो राइटेबल फॉल्स करता है। बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? एक रिजर्व कीवर्ड। ओके क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? टाइप स्क्रिप्ट के बेस पे कौन कौन से टेक्नोलॉजीज बनी है, कौन कौन से? डायनोजियस, ठीक है, और नेक्स्ट एंगुलर, और नेक्स्ट जेएस? उसमें नहीं है, उसमें आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती कि आप चाहो यूज करना चाहो जेएस यूज करो, टीएस यूज करना चाहो टीएस यूज करो, उसमें कुछ नहीं है। एक आता है नेस्ट, उसमें यूज होता है। नोड बाय जीएस पे डिपेंडेंट है, टीएस पे नहीं। आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। हाँ बन, मैंने इतना नहीं पता लेकिन आई गेस हाँ होता है उसमें। दोनों हाँ भी थोड़ा भाई सबसे फास्ट है वो। बस ओके आगे बढ़े भाई, चलो जी यहां तक क्लियर है ना भाई सबको? कोई ऐसा हो इसको क्लियर ना हो? अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास कैसे बनाते हैं वो मैं आपसे पूछता रहूंगा। मान लो मुझे यहाँ पे कार नाम से क्लास बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्लास फिर कार फिर कर्ली ब्रेसेस, इसको क्या कहते हैं? क्लास। क्लास के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, क्या क्या प्रोटोटाइप नाम हो सकते हैं? प्रोटोटाइप एक हो गया, दूसरा ब्लूप्रिंट, तीसरा ऑब्जेक्ट। बेहतरीन, खरीदना क्लास का तीसरा नाम होता है कैटेगरी। जनरली क्लास को आप क्यों इसलिए बनाते हो, या तो कैटेगराइज करने के लिए, या तो किसी किसी चीज का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, या फिर आपको क्या करना है? प्रोटोटाइप बनाना है। अगर आपने प्रोटोटाइप में देखा होगा तो जब कभी भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसी चीज का भी इंस्टांस बनाते हो, तो प्रोटोटाइप एक की आपको नीचे मिलता है, उसके बगल में आपको कुछ डेटा मिलता है ना भाई? वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो चीज उससे एसोसिएटेड है। इनहेरिटेंस पढ़ा था ना भाई, उसकी बात करूंगा। क्लियर? मैंने यहां पे लिखा आपके पास कार नेम इक्वल टू, में मैंने कार लिख दिया लेट्स से। अब मुझे इसको अगर क्या करना हो, क्या करना हो भाई? इसको स्टैटिक बाइंडिंग करनी हो, जो टाइप बाइंडिंग होती है, उसके लिए आप क्या लिखो? कॉलर स्ट्रिंग, ठीक है भाई? तो जितने भी वेरिएबल्स
जिसे प्रॉपर्टीज कहते हैं क्लास के अंदर, अगर आपको उसको टाइप डिफाइन करना हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके क्लियर भाई। अब उसके बाद मैंने लिखा गेट कार नेम, फंक्शन बनाया और यहां से रिटर्न क्या करूंगा, दिस डॉट कार नेम। डेफिनेटली दिस तो आपको पता ही है क्यों यूज होता है। अब मान लो मुझे इसका रिटर्न टाइप अगर आपको डिफाइन करना हो कि हाँ भाई इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग ही होगा, बूलियन होगा, नंबर होगा, तो कैसे करेंगे, किसकी मदद से, आपको करना वहां पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा, है लिख दूं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलर। बढ़िया भाई, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, लेट सी ए आर कार इक्वल टू में न्यू कार। अब आप चाहो तो यहां पे बता सकते हो कि जो कार है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा, ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट भाई, डन, आगे बढ़। तब अगर नहीं बताएगा तो न्यू कार का भी नेम करेगा, लेकिन वहां पे आप टाइप ही डिफाइंड कर रहे हो ना, वहां तो टाइप ही डिफाइंड कर रहे हो, नॉर्मली तो वो जीएस है ना, फिर फायदा क्या हुआ फिर से, ठीक है। कल को आप यहाँ पे किसी और से ले लो, फिर नहीं वर्क करना चाहिए, है ना भाई, उस चीज के लिए है। अब मैं लॉक करता हूं यहाँ पे कार, सेव किया, यहाँ पे कोई एरर है, बिल्कुल एरर नहीं है, सीएलएस क्या आ रहा है, कार कार नेम कार, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप चीज नहीं दिखेगी, ठीक है भाई, ये नुकसान है सीएलआई का, उसमें आपको पूरा दिख जाता था, इसमें आपको उतना ही दिखेगा जितनी आपकी जरूरत है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, यहां लिखा हुआ लॉग कार डॉट गेट कार नेम, और यहां लिख दूंगा लॉग कार डॉट कार नेम, दोनों को लॉक कर लेते हैं वन बाय वन, सेव किया, कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, और यहाँ पे जाके देख लेंगे। तो कार, पहले तो कार का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, दूसरा आपका कार, तीसरा आपका कार फाइल, ठीक है, क्लियर, चलो फिर यहां तक क्लियर है। क्या डिफरेंस है प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा, जो आप कार को डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हो उसमें और जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है उसमें क्या डिफरेंस है, अच्छा छोड़ भाई मैं नहीं टाइप कर रहा हूं, मेजर डिफरेंस है तो टाइपिंग है, मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास डिक्लेरेशन डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, या प्रोटोटाइप बोल लो या ब्लूप्रिंट बोल लो या कुछ भी बोल लो आप, क्या डिफरेंस है, पूरा नया बनता है, बताओ, मेमोरी मेमोरी एलोकेट नहीं होती कब, एलोकेट जब तक इंस्टांस क्रिएट नहीं करते, ओके, और नहीं करता। ओके और वैल्यू वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे मिलते हैं। वो तो फंक्शनैलिटी बता रहे हो भाई आप, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास, क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चलो ये उसकी फंक्शनैलिटी होगी भाई, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट,
ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी क्लास बना रहे हो तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता मेमोरी के अंदर। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है। ये फर्क है, मेन फर्क मेमोरी एलोकेशन का है, और ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। मैं भी आया। क्लियर है भाई? ठीक हो गया, ठंड लग रही है? अच्छा यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े भाई। ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके यस सर। भाई, ठीक चलो। दूसरा टॉपिक क्या था? कंस्ट्रक्टर। व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर, कोई बताएगा? क्या फायदा है? हाँ जैसे क्लास को अगर हम कॉल करें तो ऑटोमेटिक फंक्शनल कॉल डायरेक्टली किसके लिए भाई? डेटा डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, को प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके गुड। और डायरेक्टली बिना कॉल करे कॉल हो जाएगा। और कोई भाई? मेमोरी एलोकेशन में काम करता है। ऑनलाइन है भाई, बताओ, बहुत कम रहे हो भाई आप लोग। ऑनलाइन वाले भाई कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। कि मतलब आप शांत बैठे हुए हो या फिर सर जैसे क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ओके और और सर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं उसके थ्रू। वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, और कुछ नहीं? और कोई भाई? शांति कायम है। चलो भाई, कह रहा हूं भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लो। जब क्लास, ये आप, ये नहीं होता सबसे पहले चल गया। जब कभी भी कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले चलने वाला मेथड आपका होता है कंस्ट्रक्टर। ये होता है इसका मेन मकसद। जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो
तो सबसे पहले कौन चलता है आपका? कंस्ट्रक्टर चलता है। इसका फायदा क्या है फिर, ये क्यों चल रहा है, फायदा क्या है? जब फायदे की बात करें, जब इसके फीचर्स की बात करें, जब इसको यूटिलाइज करने की बात करें, तब होता है डेटा ट्रांसफर आउटसाइड दी क्लास टू इनसाइड दी क्लास। अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना हो व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो आप यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को। ठीक है भाई, चाहे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हो या ना बनाया हो, डजंट मैटर, ये हमेशा रन होगा ही होगा। एक बार होगा पूरे लाइफ साइकिल में, जितनी बार आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे आप उतनी बार कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब। उसके बाद उसके लाइफ साइकिल में आप वैल्यू चेंज करो, कुछ भी करो, कभी भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में एक बार। और जो कंस्ट्रक्टर होता है, इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक है, क्लास लेवल पे काम नहीं करता, है ना भाई? हमने इसको देखा था, क्लियर? तो इन सब बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं लिखा यहां पे क्लास नेम, कॉलन में यहां पे स्ट्रिंग लिखा, बस इतना। मुझे इसकी वैल्यू को जब कभी भी, मान लो कार तो मल्टीपल हो सकते हैं, पहले मैं मारुति का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मारुति नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्लास का नेम क्या हो जाए, मारुति हो जाए। दोबारा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं चाहता हूँ कि भाई क्या बन जाए, नाम आपका टाटा वाला बन जाए, तो टाटा नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका टाटा नाम आ जाए। ऐसे आपका स्कॉडा और भी बहुत सारे हैं, हुंडई हो गया। तो मैं लिखा कंस्ट्रक्टर, और यहां पे मैं ब्लैंक अभी छोड़ता हूं, लॉक करके दिखाता हूं आपको कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और लेट आपके पास ये आर कार इक्वल टू मैं न्यू कार, इस टाइम पे मैं आपको ना कार ही लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे चले नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, सीएलएस कंस्ट्रक्टर कॉल। मैंने बस लॉक कुछ नहीं किया है, लॉक कहाँ किया है, कंस्ट्रक्टर में किया है। मैंने जैसे ही इंस्टांस बनाया, मैं जितनी बार इसका इंस्टांस बनाऊंगा उतनी बार ही एक टाइम तो चलेगा चलेगा। ओके, इसको मैंने वन लिखा, इसको टू, इसको थ्री, सेव किया। ठीक है भाई, चार बार इंस्टांस बनाया तो चार बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए जो कंस्ट्रक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, नॉट क्लास। ये याद रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आया ना, होगा नहीं होगा? हाँ, ये पैरेंथेसिस को हटा दिया था ना मैंने, कौन बोला नहीं होगा, कौन बोला नहीं होगा, बताओ भाई, अपनी अपना चेहरा दिखाओ, नहीं होगा, नहीं होगा ना, कॉल नहीं कर रहे। ओके, और नहीं होगा, नहीं होगा, और बेहतरीन, और कोई भाई जिसको जिज्ञासा हो जानने की, ऑनलाइन है भाई, होगा नहीं होगा, ऑनलाइन में होगा नहीं होगा, ऑनलाइन में भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मजा नहीं आ रहा। अच्छा होगा भाई, ठीक है, और नहीं होगा, होगा कॉल, ओके, और माइक ऑन करके बोल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे सुनना है। इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने क्लास कितना पढ़ा है। होगा नहीं होगा, होगा होगा भाई, भेड़ चाले मत रहिए, ठीक है, बता रहा हूं मैं भाई, होगा नहीं होगा।
नहीं किया है आपने, ट्राई नहीं किया, होगा नहीं होगा, न्यूट्रल मतलब नोटा है ना। अच्छा अच्छा शायद बन जाए। ओके पीछे भाई, होगा बगल भैया, नहीं होगा, होगा नहीं, नोटा है तुम्हारा। पीछे भाई, होगा दोनों भाई पीछे, लास्ट बनेगा बनेगा, हो जाएगा ना काम, दोनों बगल वाले भी सेम, नहीं होगा भाई, बढ़िया है, ऑल्टरनेटिव होने ना। चाहिए। हाँ भाई होगा, अब बाहर जाके लड़ने मत लग जाना, होगा नहीं होगा, होगा। चलो भाई आंसर है होगा, कोई दिक्कत नहीं है, CLS। भाई साहब आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। नहीं अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम यूज करते हैं इसको, ताकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, उसके अंदर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो तो उस केस में एरर क्यों नहीं जनरेट करेगा? टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है कि जो चीज आप दे रहे हो वो चीज होनी चाहिए, तो एरर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज इसका इंटरनल जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो चलता है। ये जो मैंने अपने आप लिखा है, ये क्या हो रहा है, जो पहली चीज लिखी थी उसको ओवरराइट कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। नहीं चलेगा, सेंस ट्रांस नहीं आ रहा क्या? गो टू डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं आ रहा इसका। एक सेकंड, मैं JS पे चाहे एक बार देखूं। इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी, वो नहीं आ रहा। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या होता है, डेटा ट्रांसफर का, और जो आपने अपना बनाया है कंस्ट्रक्टर उसके अंदर डेटा ट्रांसफर करने की। स्पेसिफिकली बोल रहे हो भाई मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है, उसमें नेम नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी दी है जो कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब पैरामीटर दे रखा, पैरामीटर नॉट प्रॉपर्टी, पैरामीटर। अब यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा, एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट गॉट जीरो, और अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है कि कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर होना चाहिए। ये एरर आपको JS में नहीं मिलता, ये एरर आपको JS में नहीं मिलता, ये फायदा है TS का। फंक्शन मान लो आपके पास, फंक्शन आपने बना रखा है उसमें तीन पैरामीटर दिए, JS में दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट पास करो, वर्क कर जाता है, लेकिन TS में दिक्कत देता है। अनडिफाइंड हाँ भाई बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल क्रिएट करता है, वो अनडिफाइंड ही होता है, डिक्लेयर किया डिफाइन नहीं किया है, और विद द हेल्प ऑफ वेर करता हूँ। हाँ ट्राई कर लेते हैं, एक ही चीज है, ब्रह्मास्त्र आपका और क्या है, ऑप्शनल चेनिंग ले लो, जो आपने ऑप्शन चेनिंग पढ़ा था उसमें भी क्वेश्चन मार्क है, आपने इसमें अभी इससे पहले आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा तो क्वेश्चन मार्क है, क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें करली ब्रे आपके पास ये ब्रैकेट, और यहाँ पास कर दूंगा लेट्स से मारुति, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटाता हूं, क्योंकि पता मुझे चलेगा तो सही, उसके लिखूंगा दिस डॉस क्लास नेम इक्वल टू माय नेम, ठीक है भाई, सेव किया। अब मैं इसको लॉक करना चाहूंगा कार को, कोई एरर नहीं, एरर है क्या, आ गया कार नेम में मारुति आ गया,
में आया कंस्ट्रक्टर का मेन मतलब क्या होता है? में नंबर डाल दे, एम में नंबर डाल दो, लो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, एरर आएगा। एरर एरर भाई, टाइप बाइंडिंग कर रहे हो तुम, इसे बाइंडिंग भी कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर जेएस को देखोगे ऐसा लिखते थे हम, है ना, जेएस में अगर आपने प्रॉपर्टी बनानी है तो आप उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर में अगर दिस डॉट जो भी वैल्यू है वो लिखो, खत्म कहानी, आपका प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता था, राइट? हाँ है ना, हाँ कौन सहमत है इससे? ओ भाई साहब, पहले हाथ तुम्हारे उठा, हो जाएगा ना, हो जाता था, बट ये चीज टाइपस्क्रिप्ट में नहीं होती। अगर आपने कोई भी वैल्यू किसी के पास भी असाइन करना है तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर नहीं होगी चीज तो आप उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो लेकिन आपने क्लास नेम को डिक्लेयर नहीं किया है, इसीलिए मुझे ये अच्छा भी लगता है। क्लियर भाई? ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। और आज के लिए टीएस को मैं इतना ही करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट प्रोबेबली टीएस खत्म हो जाएगा और मंडे से आपका रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो मंडे में आपका टीएस खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना?